और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केशव गेमर। और भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई क्या आप 100 RP कर सकते हैं मतलब विदाउट परचेजिंग रॉयल पास, और इस बार क्या सिस्टम आया है रॉयल पास का। सो आपको पता ही होगा कि सीजन 17 में रॉयल पास का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। तो पहले हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें डेली के 30-30 वो मिलते मिशन मिलते थे, एंड साथ में एक वो मिलता था 10 RP पॉइंट फ्री में, वो खैर अब भी मिलता है, पर बहुत पहले अलग सिस्टम होता था, RP क्रिएट होते थे। आपको पता है कल मैंने एक वीडियो डाली थी, वो रिकमेंडेशन में चली गई, उस पर अच्छे व्यूज आए। सो आप वहीं से आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम RP को 100 कर सकते हैं विदाउट परचेजिंग रॉयल पास। सो बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और के नोटिफिकेशन बेल को आइकन को दबा देना, जो आपको नए अपडेट्स मेरे चैनल से मिलती रहेगी। मैं डेली वीडियो डालते ही डालता हूँ, कभी कभार रह जाती है। तो मेन चीज़ सबसे पहले आते हैं मिशंस पे। सो आप मिशंस पे देखोगे तो आपको बता देता हूँ, ये आप देख पा रहे होगे तो वेलकम, जब भी आप वेलकम मतलब पबजी में लॉगिन करते हो तो आपको डेली के 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सो ये देख सकते हैं 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सो अभी आपको पता है एक सीजन 60 डेज का होता है, तो 60 डेज सब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 600 निकल के आ जाता है, 600 पॉइंट्स हमारे ये हो जाते हैं, जो अराउंड हमारे 6 RP का हो जाता है। सो अगला हम इसमें डिस्कस करेंगे, अगली चीज़ आती है हमारी ये। सो आप देख सकते हैं वीकली एक्टिविटी पॉइंट्स। सो वीकली एक्टिविटी पॉइंट्स हमारे एक हफ्ते में एक बार होता है आपको पता है, और एक महीने में 4 वो होते हैं हफ्ते, आपको जैसा पता ही है। सो पर और आपको ये बता देता हूँ, तो हम एक इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देख लीजिए, देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे 30+40+50+60। सो हमने इसे कैलकुलेट करा तो हमारे 180 आ जाता है, 180 आपने देखा होगा, तो 180 में मतलब एक हफ्ते में RP पॉइंट्स मिल जाएगा। अरे हम इसे इंटू 9 कर लेंगे, तो आप बताएंगे इंटू 9 क्यों करेंगे। इंटू 9 इसलिए करेंगे, आज जब हमारा वीक 8 चलता तो 8 RP मतलब वीक 8 के बाद भी थोड़े बहुत दिन रह जाते तो उसमें वो वीक 9 चला देते हैं, तो इसलिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे। एंड ये वीक का होता है तो आपको पता ही है, पूरे वीक में हम कर ही देते हैं, तो करना मतलब करना पड़ेगा अब, क्योंकि इस बार आरपी 100 करना बहुत हार्ड हो गया। जो पहले सीजन 4 में बंदे करते थे सीजन 5 में, उस वाला सीन हो गया, क्योंकि उस टाइम भी आरपी करना बहुत हार्ड होता था करना, तो इसलिए इस बार भी स्वाद आएगा। जो क्लासिक खेलेंगे सिर्फ वही कर पाएंगे इस बार RP 100, मतलब हमें क्लासिक खेलना ही पड़ेगा RP 100 के लिए। सो हमारा इससे हमारा 620 निकल के आएगा। सो ये हमारा 16 RP मान, इसके अराउंड 16 RP मान के चलते हैं हम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगले थर्ड चीज़ पर आ जाते हैं हम ये, तो ये अराउंड ये देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं एक सेकेंड। तो देख सकते हैं 70 RP के हैं, तो ये 70 RP के 30 हैं, तो 30 से हम इंटू कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे 2100 राउंड कुछ निकल गया था, जो कि 21 RP का बराबर होता है। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कितनी RP इस बार नॉन RP प्लेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। सो मैं आप सो क्या बोलते हैं इसके बाद ये देखते हैं RP मिशन पर आ जाते हैं अगला। सो आप देखते हैं ये RP मिशन हर बार इनका फिक्स वैल्यू होती है, इतनी ही आएगी, तो ये 4 मिशन होते हैं। इस बार देख सकते हैं 125+75+75+75, तो ये हमारी जो बैठे अराउंड, तो मतलब इन्हें कैलकुलेट करके हम इंटू 9 इसकी 9 से कर देते तो हमारा 2800 कुछ वो आ जाता अराउंड, 2800 नहीं सॉरी 8 से करते हैं, क्योंकि तो 8 है ना, तो इसके 8 से हम करते हैं तो कुछ 2800 अराउंड आ जाता है। तो इसका ये हो गया हमारा 28 RP से हो गया। एंड उसके बाद आपको पता ही है क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जो 9 RP प्लेयर है वो मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं 600 को और 1620+2100 प्लस अगर हम कर लेते हैं, मतलब ये क्रेट्स का नहीं बता रहा, ये बंदा क्रेट खोलता है इसे ऐड नहीं करके बता रहा, सिर्फ इनका बता रहा हूँ इतना पॉसिबल है। तो अराउंड ये 7120 निकल कर आता है, तो अराउंड ये आप ये मान लीजिए अप्रोक्स 70 RP से ज़्यादा 9 RP प्लेयर इस बार कर नहीं सकता, जैसे पहले बंदे कर लेते 85 85, मैंने बहुत बंदे देखे हैं RP में जो आते हैं मतलब खेलते रहते हैं वो कर लेते थे, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। क्रेट खोल के पॉसिबल है पर इतनी कौन क्रेट खोल नहीं पाएगा, तो 75 RP इतने से ज़्यादा मेरे हिसाब से इस बार पॉसिबल नहीं है विदाउट RP प्लेयर। सो और इस बार भी RP प्लेयर का तो आपको इनको कैलकुलेट कर लेते हैं RP वाले कितने कर सकते हैं, तो ये 375 पॉइंट्स ये अराउंड हमारे, एक सेकंड में कैलकुलेट करते बताता हूँ, ये अराउंड हमारे 375 पॉइंट्स हो जाएंगे, 75 75+150+75, तो ये 300 × 8 करके तो ये 300 RP कुछ पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि 25 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये हमारे कुछ 300 RP पॉइंट्स हो जाते हैं, तो उससे 100 RP देख सकते हैं कितना 100 RP कितना हार्ड हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। मतलब इस बार 100 RP भी सारे मिशन करके सब चीज़ करके ही हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा, तो इस बार सबसे ज़्यादा हार्ड है RP करना। सो आपको सब चीज़ का पता ही चल गया होगा, जो चैनल प्लीज़ चैनल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल। तो बाय बाय, टाटा बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.